original view. A window is in the form of a rectangle surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimension of the window to admit the maximum length, maximum light through the whole opening. Listen, a window is in the form of a rectangle. Okay. A window. A rectangle surmounted by a semicircular opening. The iska surmounted by the ye rectangle hai, surmounted by the semicircular opening. Okay. Bola ki a window is rectangular, rectangle in the form of rectangle surmounted by, means uska upar mein, surmounted by the semicircular opening. The total perimeter they diya hai. Total perimeter means this plus this plus this plus this. Dekho ek kaam karo, iska radius ye nahi hai, ye wala nahi hai, isko radius ka r lo. Okay, to total perimeter diya hai. Perimeter means boundary. Okay, total perimeter kitna diya? सुनो, टोटल पेरीमीटर दिया है 10 मीटर. देखो, अच्छा बच्चे काम कर, इसको 2R ले लो, इस लेंथ को 2R ले लो, और इसको तुम्हारा चाहे जो भी लोगे x ले लेते हैं या ओके x ले लो. ओके, तो तुम्हारा पेरीमीटर, टोटल पेरीमीटर यहाँ से शुरू करते हैं. ये कितना हुआ 2R, ये कितना हुआ x. अच्छा बच्चों, ये पूरा सर्कल, पूरा सर्कल होता है कितना 2πr, उसका आधा πr हो जाएगा. तो ये प्लस कितना, प्लस πr, प्लस ये भी कितना x, इक्वल कितना दिया 10 मीटर. बच्चों ये गिवन है, तो उसको थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हो. 2r प्लस x कितना 2x प्लस πr इक्वल 10 मीटर. ये गिवन है तुम्हारा, ये हेल्प करेगा तुम्हें. अच्छा, फाइंड द डायमेंशन, हमें डायमेंशन निकालना है, एक्स और टू आर निकालना है. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट द मैक्सिमम लाइट. तो हमें मैक्सिमम लाइट, इसका थ्रू में मैक्सिमम लाइट आएगा, इसका थ्रू में मैक्सिमम लाइट आएगा. मैक्सिमम लाइट आएगा मीन्स हमें इसका क्या फाइंड करना है, इसका थ्रो में मैक्सिमम लाइट आएगा मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है. ओके, इसका थ्रो मैक्सिमम लाइट आएगा मीन्स हमें इसका एरिया फाइंड करना है. ओके, तो क्या करेंगे, जो मैक्सिमम बोलता है उसी का डेरिवेटिव होता है. ओके, तो तुम्हें क्या करोगे, एरिया, जो मैक्सिमम बोलते उसी का डेरिवेटिव होता है. इसका एरिया पहला, इसका ये एक रेक्टेंगल है. ओके, ये रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ कितना, ब्रेथ कितना x. ये इसका एरिया हो गया, यहां से यहां तक एरिया हो गया. ओके, ये तुम्हारा एरिया हो गया, ठीक है. अच्छा, ये रेक्टेंगल, उसके बाद सेमी सर्कल का एरिया क्या, प्लस कितना पाई आर स्क्वायर बाय 2. ओके, पाई आर स्क्वायर बाय 2 ये एरिया हुआ, ये रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ और उसका पाई स्क्वायर बाय 2. अच्छा बच्चों, अभी क्या करेंगे, इसी का जो मैक्सिमम बोलता है उसी का ही डेरिवेटिव होता है, तो इसी का डेरिवेटिव करेंगे. बट एक बात है यहाँ पर, ये दो वेरिएबल है, एक रेडियस और एक आर, एक है और एक्स है, दो वेरिएबल है. दो वेरिएबल में एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, दो वेरिएबल एक वेरिएबल कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो ये गिवन से ही करोगे. बेटर मुझे लगता है कि 2x को रिप्लेस करना है, क्योंकि दो आर में प्रॉब्लम है, तो 2x को रिप्लेस करो. ओके, x को रिप्लेस कर दो. ओके, तो क्या होगा, देखो क्या आएगा, क्या होगा, देखो 2x इक्वल टू क्या होगा, तुम्हारा 10 माइनस 2r और क्या, माइनस 2r और क्या, माइनस पाई आर, उसके बाद डिवाइड बाय क्या, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फिर ओके, तो ये उस तरफ ले लो, माइनस पाई आर माइनस टू आर और ये एक्स इंटू टू जगह डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू डाल दो उधर. ओके, एक्स का वैल्यू डालो इधर,
एक्स का वैल्यू क्या आया, 10 माइनस 2r माइनस पाई आर बाई टू हाफ, ओके प्लस कितना पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर ना, ये प्लस ना, प्लस तो हाँ क्योंकि एरिया पर रेक्टेंगल होता है, और प्लस पाई आर स्क्वायर बाई टू, ओके ठीक है। अच्छा देन ए टू और ए टू क्या कट जाएगा, ये आर इंटू कर दो, इजी हो जाएगा तुम्हें डेरिवेटिव करने, आर इंटू करने से क्या होगा, टेन आर माइनस टू आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, टेन आर माइनस टू आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस ये पाई आर स्क्वायर बाई टू, ओके। अच्छा अभी आराम से डेरिवेटिव होगा, अभी एक ही वेरिएबल रह गया कौन, तो तुम्हें डी ए बाई क्या करोगे डी आर, ये 10 आएगा डेरिवेटिव आर विथ रेस्पेक्ट टू 10 आर का, 10 आगे रहेगा डेरिवेटिव आर विथ रेस्पेक्ट टू आर 1 आएगा, माइनस 4 आर आएगा, आर स्क्वायर का 2 आर आएगा, ये माइनस पाई आगे रहेगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आर आएगा, उसके बाद पाई बाय 2 बाहर रखोगे, पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट बाहर रखोगे, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 आर, ये 2 2 काट डालो, देन तुम्हारा बच्चों कि तो डी ए बाई डी आर क्या हुआ, 10 माइनस 4 आर माइनस 2 पाई आर प्लस पाई आर, ओके अगेन ये तुम्हारा 10 माइनस 4 आर माइनस पाई आर माइनस 2 पाई आर प्लस पाई आर, ओके। अभी टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट और मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट इसका डेरिवेटिव को जीरो करो, ओके लिखोगे टू गेट द टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, इसका डेरिवेटिव को जीरो करो, 10 माइनस 4 आर माइनस पाई आर इक्वल टू क्या करो जीरो, 10 इक्वल उस तरफ ले लो 4 आर प्लस पाई आर, उस तरफ सब ले लो, आर निकालो आर कॉमन ले लो, 4 प्लस पाई इक्वल टू 10, आर कॉमन ले लिए, ओके देन द्वारा क्या होगा r इक्वल टू 10 बाई 4 प्लस पाई, देखो ये एक आंसर हुआ होगा तुम्हारा, नहीं ये आंसर नहीं है, हमें 2r निकालना है, हमें फाइंड करना है, हाँ तुम्हारा एक डायमेंशन है तुम्हारा 2r है, ओके अब x निकालना है बच्चों, r का वैल्यू डाल दो यहाँ पर, x क्या था थोड़ा बोलो, x इक्वल क्या था 10 माइनस 2 आर माइनस पाई बाई आर बाई टू, लिखोगे x इक्वल टू 10 माइनस 2 आर माइनस पाई आर बाई टू, ठीक है तो बच्चों देन थोड़ा r के लिए थोड़ा ये कर लो, r कॉमन ले लो, r कॉमन ले लो माइनस r कॉमन ले लो, माइनस r कॉमन लेने से प्लस 2 प्लस पाई, माइनस आर कॉमन ले लिए तो यहां पर प्लस 2 रहेगा और प्लस पाई हो जाएगा, आर का वैल्यू डालो 10 माइनस आर, आर का वैल्यू क्या आया, अरे आर का वैल्यू क्या 10 बाय क्या 10 बाय 4 प्लस कितना पाई होल इंटू कितना 2 प्लस पाई, ओके ये पूरा बाय 2 था बच्चों, पूरा बाई टू था तो थोड़ा सिंपलीफाई करना है, 4 प्लस पाई एलसीएम लो तो ये कितना आएगा 40 अगेन प्लस 10 पाई, ओके ये माइनस 20 माइनस 10 इंटू कर दो माइनस 20 माइनस 10 पाई, ये 1 बाई टू था नीचे बाई टू था इसको 1 बाई टू कर रख दो, ये क्या हुआ प्लस 10 पाई माइनस 10 पाई कट 40 माइनस 20, अच्छा 4 प्लस पाई एलसीएम लिए तो 4 प्लस पाई एलसीएम लिए तो 40 प्लस 10 पाई, ठीक है ये तुम्हारा आएगा 40 माइनस 20 20 बाई क्या 4 प्लस पाई इंटू 1 बाई 2 है, 2 काट डालो 10 बाई 4 प्लस पाई,
ये एक लेंथ है, अदर लेंथ 2R है, बच्चों अदर लेंथ देखो 2R है, 2R है, ओके। तो अदर लेंथ आएगा, हम लेंथ, हाँ लेंथ क्या आएगा तुम्हारा, 2R है। R कितना आया, R कितना आया था, 10/4 + π। अरे R आया था 10/4 + π, ओके 10/4 + π। ये 20 / क्या, 4 + π। अच्छा ये लेंथ आ गया। अच्छा अभी क्या करो, ये देखो आंसर चेक करो, ओके। तो उसके बाद बच्चों अभी ये मैक्सिमम पॉइंट है ना मिनिमम पॉइंट है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है, ओके। ये इसका टू चेक मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, टू चेक मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट। अगर सेकेंडरी टेस्ट कर नेगेटिव आएगा तो ये मैक्सिमम पॉइंट है, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम पॉइंट है, ओके। तो यहाँ पर d² a/dr² तो ये 10 का क्या आएगा, 0, और -4r का -4 - π, ये नेगेटिव आया, लेस देन 0, हेंस इट हैज मैक्सिमम पॉइंट, हेंस इट हैज मैक्सिमम पॉइंट, ये तुम्हारा 2R था, हाँ हेंस इट हैज द मैक्सिमम पॉइंट लेंथ इक्वल कितना दिस, और ब्रेथ इक्वल कितना, लेंथ इक्वल टू कितना 20/4 + π एंड ब्रेथ इक्वल टू 4 + π, ओके ठीक है। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये CBSE में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला बच्चों देखो, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ए पॉइंट ऑन द हाइपर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CBSE का, ये एक तो ट्रापिजियम वाला क्वेश्चन तुम्हारा एग्जांपल में है। ए पॉइंट ऑन द, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, दो ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूस ऑफ ए ट्राइंगल इज डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, so that the maximum length of the hypotenuse is this, a का पावर 2/3 plus b का पावर 2/3, इसका होल का पावर 3/2, ओके। देखो बच्चों बोला है पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूस, ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूस ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल ऑफ द डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स, हमारा क्या नेगेटिव आया था ना, अच्छा तो यहां पर क्या गलत है क्वेश्चन, क्या होगा मिनिमम, मिनिमम होगा, ओके ठीक है। तो ये मिनिमम लेंथ ये बोल के प्रूव करेंगे, प्रूफ में पता चल जाएगा, कोई बात नहीं, ओके। ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूस ऑफ डिस्टेंस ए एंड बी ऑन द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक पॉइंट है हाइपोटेन्यूस में जो कि ए डिस्टेंस और बी डिस्टेंस, ओके लेट पॉइंट पी, ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूस ऑफ ए पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूस ऑफ ए ट्रायंगल इज एट ए डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, वो ए डिस्टेंस और कौन b distance from the sides of the triangle में है, okay, then
the so that the minimum length of the AC is hypotenuse is this. हमें प्रूव करना है कि द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस, हमें टू प्रूव ये करना है कि हाइपोटेन्यूस जो कि एस इक्वल टू कितना, ए का पावर 2/3 प्लस बी का पावर 2/3, इसका होल टू द्वार कितना 3/2, ये हमें प्रूव करना है बच्चों। बच्चों इसको थोड़ा कैसे प्रूव किया जाएगा, थोड़ा दिमाग थोड़ा लगाना है। तो बच्चों यहाँ पर एक थीटा लेना है तुम्हें, ओके तुम्हें एक थीटा लेना है, और ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है और मैक्सिमम सीबीएसई में ये वाला क्वेश्चन, जाओ जाओ जिसमें भी देखो ये क्वेश्चन रहेगा। अच्छा बच्चों इसमें क्या करो, हमें लेंथ ऑफ जिसको मिनिमम बोलता है उसी का डेरिवेटिव होता है, मिनिमम मैक्सिमम बोलता है उसी का डेरिवेटिव होगा, तो एसी का डेरिवेटिव होगा, लेकिन एसी का लेंथ पहले निकालना है। अच्छा सुनो बच्चों, ये तुम्हारा कॉस थीटा डालोगे, कॉस थीटा क्योंकि बी बाई क्या एच, पहले एपी निकालते हैं हम, लेंथ ऑफ एपी, तो पहला कॉस थीटा डालोगे, ये तुम्हारा पार्लल होगा, तो जब पार्लल होगा तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये थीटा होगा तो ये भी कितना थीटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पहला कॉस थीटा निकालो, बी बाई एच कितना ए बाई पी, कॉस थीटा इसलिए डाला कि बी दिया है एस निकाला, हमें एपी निकालना है, एसी का लेंथ हमें एपी प्लस एस इक्वल एपी प्लस क्या पीसी, तो एपी और पीसी निकालना है, कॉस थीटा होता है तुम्हारा बी बाई एच, ए बाई एपी, ए बाई तुम्हारा एपी, देन एपी इक्वल टू क्या हुआ, ये डिवाइड इधर ले आओ, दैट इज ए बाई क्या, एपी इक्वल टू क्या हुआ तुम्हारा, कॉस थीटा हुआ ए बाई एपी, देन एपी इक्वल टू, एपी इक्वल ए बाई कॉस थीटा, और इसे तुम ए सेक थीटा बोल सकते हो, यह आया ए सेक थीटा। अगेन ये था इंट्रैंगल, क्या जो भी एक नाम ले लो, ए बी सी है तो ये डी ई ले लो, ओके इंट्रैंगल ए डी पी था, ए डी पी, ओके जो भी नाम ले लो, ओके नेक्स्ट तुम्हारा पी सी निकालना है, साइन थीटा लेना पड़ेगा, हाँ इंट्रैंगल, इंट्रैंगल पी पी ई सी, इंट्रैंगल पी ई सी क्या होगा तुम्हारा साइन थीटा, ओके साइन थीटा तुम्हारा क्या होता है पी बाई एच, बी बाई क्या पी सी, देन तुम्हारा पी सी इक्वल टू बी बाई साइन थीटा, देन इक्वल टू बी कोसेक थीटा, इसको बी कोसेक थीटा, हमें मिल गया एसी का लेंथ, उसी का ही डेरिवेटिव बनाना है, इसके एक ही वेरिएबल है कौन थीटा, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे कोई पुट करने की जरूरत भी नहीं है, तो तुम्हारा एसी होगा क्या, एसी इक्वल क्या हुआ एपी प्लस पीसी, एपी कितना निकला ए सेक थीटा, सॉरी एपी निकला तुम्हारा ए सेक थीटा, पीसी कितना निकला बी कोसेक थीटा, ओके तो एसी हुआ तुम्हारा ए सेक थीटा और पीसी हुआ बी कोसेक थीटा, तो एसी आ गया, ओके एपी प्लस पीसी ए सेक थीटा प्लस बी कोसेक थीटा। नेक्स्ट बच्चे देखो इधर, इसी का ही मिनिमम बोल रहा है तो इसी का ही डेरिवेटिव करना है, एक ही वेरिएबल थीटा है तो डेरिवेटिव ऑफ एसी विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव सेक थीटा क्या है, डेरिवेटिव सेक थीटा इंटू टैन थीटा, डेरिवेटिव कोसेक थीटा, तो ये माइनस आएगा, डेरिवेटिव कोसेक थीटा माइनस बी को आगे रखो, बी का अगर डेरिवेटिव बी कॉन्स्टेंट आगे रखो, डेरिवेटिव कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, इसलिए माइनस पहले से लिख दो, माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, अभी फॉर क्रिटिकल पॉइंट इसका डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो करना है, लिखोगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट
और क्रिटिकल पॉइंट इसका डेरिवेटिव को जीरो करना है, पर ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या करोगे जीरो। अच्छा बच्चों देखो इसको सॉल्व करो, वन टर्म में करने कोशिश करो कन्वर्ट करने के लिए, एक ही टर्म में जैसा आएगा ये ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा इक्वल टू उस तरफ ले लो बी कोसेक थीटा इंटू क्या कॉट थीटा, सेक थीटा होता है वन बाई कॉस थीटा, ये टैन थीटा बाई सॉरी टैन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ओके टैन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अगेन कोसेक थीटा क्या करो वन बाई कोसेक थीटा वन बाय साइन थीटा आएगा, ये वन बाय साइन थीटा वन बाय साइन थीटा कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाय क्या साइन थीटा, ठीक है। बच्चों देखो ये आएगा ए, ये साइन स्क्वायर और ये डिवाइड इधर ले आओ साइन क्यू थीटा हो गया, ये बी ये यहां पर था ना वन, हाँ ये कॉस का थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाए कॉस क्यू थीटा हो गया। फिर से बोल रहा हूँ बच्चों ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है साइंस का थीटा इधर ले आओ डिवाइड साइंस का थीटा इधर मल्टीप्लाई करो साइन क्यू थीटा होगा, ये कॉस का थीटा डिवाइड है उधर जाके इसके साथ क्या होगा कॉस क्यू थीटा हो जाएगा, कॉस का थीटा डिवाइड उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन द्वारा साइन क्यू थीटा बाई एक ही टर्म बनाना है बच्चों बाई कॉस क्यू थीटा, साइन थीटा बाई कॉस क्यू थीटा इक्वल क्या आएगा बी बाई क्या देन द्वारा, समझे बच्चों ये कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा ये कॉस क्यू थीटा ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा साइन क्यू थीटा, देन ये द्वारा उधर क्यू रूट हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये क्यू रूट होगा बी का पावर वन बाय थ्री ए का पावर वन बाय थ्री, देन द्वारा टैन थीटा इक्वल टू बी का पावर वन बाय थ्री ए का पावर वन बाय थ्री। बच्चों हमें क्या करना है अभी थोड़ा हमें एक्चुअली एसी निकालना है एसी अप्रूव करना है, एसी क्या है द्वारा ओके हमें एसी निकालना है बच्चों हमारा एसी है द्वारा क्या ए सेक थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, हमें एसी निकालना है ये द्वारा एक पॉइंट आया। देखो हम ऐसे निकाल सकते हैं, इसको पहले तुम क्या करो ट्रायंगल में बनाओगे, ट्रायंगल में बना के सेक थीटा कोसेक थीटा का वैल्यू निकाल के डाल दोगे ऐसे हमारा जरूर प्रूव हो जाएगा। ओके क्या करोगे इसका ट्रायंगल बनाओगे, टैन थीटा क्या होता है पी बाय बी, पी है तो बी का पावर वन बाय थ्री ए वन बाय थ्री, टैन थीटा होता है पी बाय बी, ये P है और ये B है P by B, देन ये द्वारा बच्चों ये द्वारा हाइपोटेन्यूस P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर P ये इसका स्क्वायर प्लस B स्क्वायर A वन बाय थ्री का स्क्वायर का क्या रूट ऑफ, इसको बच्चों थोड़ा ये सिंप्लीफाई करोगे ये B का पावर कितना होगा ये इंटू हो जाता है इसे टू बाई थ्री से इंटू होता है वन बाय थ्री इंटू टू इसे इंटू होता है टू बाय थ्री प्लस ये ए का पार क्या हो जाएगा ये से इंटू होगा टू बाय थ्री का क्या रूट ओवर। अच्छा हमें ऐसे निकालना है वो प्रूव करना है व्हाट इज सेक थीटा बोलो सेक थीटा का फॉर्मूला एच बाई बी एच क्या है ये एच है और ये बी है तो सेक थीटा निकालो एच बाई बी बी का पार टू बाय थ्री प्लस ए का पार कितना एच बाई बी बी क्या है ओके कोसेक थीटा निकालना है क्या कोसेक थीटा फॉर्मूला एच बाई हाँ रूट ओवर छोड़ दे। अच्छा कोसेक थीटा निकालना है बच्चों एच बाई पी ये एच है
और ये पी है, ओके। तो दैट इज बी का पावर कितना, टू, हाँ ये तो बी ऑलरेडी है, कितना बी का पावर कितना, टू बाई थ्री प्लस ए का पावर टू बाई थ्री एच बाई पी, पी ये है क्या, बी का पावर वन बाई थ्री। अच्छा बच्चों अभी इसको थोड़ा सिंपलीफाई करने से हमारा जो प्रूफ है वो आएगा, बच्चे थोड़ा डर जाते हैं। अच्छा सुनो बच्चों, हमें प्रूफ क्या करना है पता है, तो ए का पावर टू बाई थ्री प्लस बी का पावर टू बाई थ्री होल टू द थ्री बाई टू, ओके। बच्चों ये तुम्हारा बेस से मैं पार सब्ट्रैक्ट कर दो, ए का पार वन माइनस वन बाई थ्री, बी का पार टू बाई थ्री, ये बी का पार टू बाई थ्री कॉमन पहले ले लो बच्चों, ये वाला दोनों में सेम है, इसका थोड़ा सॉल्व करना सबसे अच्छी बात है, ओके। बच्चों बी का पार टू बाई थ्री प्लस ए का पार टू बाई थ्री कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लो बच्चों दोनों में है, ये कॉमन लेने के बाद इसमें बचा ए बाय क्या, ए बाय थ्री, इसमें बचेगा बी बाय क्या, ये बच्चों मैक्सिमम एग्जाम में आता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिस्टमेटिक जाओगे कोई बात नहीं। अच्छा इसका एलसीएम लोग, ये तुम्हारा बेस से में पास अपडेट करो, बेस से में पास अपडेट करो, ये ए वन माइनस वन बाई थ्री, ये इसका पावर वन है, बेस सेम है, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट होगा। अच्छा बच्चों ये बी का पावर टू बाई थ्री प्लस ए का पावर टू बाई थ्री इसका रूट ओवर है, ये तुम्हारा ये हुआ ए का पावर टू बाई थ्री प्लस बी का पावर टू बाई थ्री, एलसीएम थ्री लो, थ्री माइनस वन, एलसीएम थ्री लेने से थ्री माइनस वन टू बाई थ्री आएगा, थ्री लेने से ये बच्चा अभी देखो इनका बेस सेम है, इनका बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, इनका बेस सेम पावर ऐड, इसका बेस वन है, इसका बेस ये है, बी का पावर टू बाई थ्री प्लस ए का पावर टू बाई थ्री पावर ऐड हो जाएगा, ये हाफ इसका पावर है और इसका पावर वन है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाए इनटू में, ये आएगा बी का पावर टू बाई थ्री प्लस ए का पावर टू बाई थ्री, ये ऐड करोगे एलसीएम टू टू वन थ्री बाई टू, ये बच्चा प्रूव हुआ। नेक्स्ट हमें ये प्रूव करना है, ये जो है आया मिनिमम लेंथ है ना मैक्सिमम लेंथ है, अगर ये पॉजिटिव आया सेकंड डेरिवेटिव तो पॉजिटिव आया तो मिनिमम लेंथ होगा, अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमम लेंथ आएगा। देखो हमारा डेरिवेटिव कहाँ तक किया था, डेरिवेटिव कहाँ तक हुआ था भाई, टैन क्यू थीटा ना लाए थे ना, क्या था आया था वो क्रिटिकल पॉइंट आया था यहाँ पर, टाइम नहीं है भाई, लिखोगे कि डी स्क्वायर थीटा भाई क्या, डी स्क्वायर थीटा भाई क्या था, डी स्क्वायर एस सी बाय डी थीटा, हाँ डी थीटा स्क्वायर, ये मिनिमम लेंथ है ना, ये ग्रेटर दैन इक्वल क्या जीरो है, हैंस इट हैज मिनिमम लेंथ, हैंस इट हैज मिनिमम लेंथ व्हेन एस इक्वल क्या, व्हेन एस इक्वल टू, व्हेन एस इक्वल टू दिस, ओके।